मध्याह्न भोजन की खबर प्रकाशित करने वाले पत्रकार पर किया जानलेवा हमला। पीड़ित पत्रकार राजेंद्र सोनी ने बताया कि समूह संचालन समा भारती द्वारा वार्ड क्रमांक 39 के स्कूल में मध्याह्न भोजन वितरण किया जाता है। गरीब बच्चों के मुकरने वाला छिनने वाले दबंगों के खिलाफ खबर प्रकाशित करना एक पत्रकार को महंगा पड़ गया। समूह संचालक की दबंगई मनमाने तरीके से करते हैं भोजन का संचालन। खबर को प्रकाशित करने के बाद पीड़ित पत्रकार को लगातार फोन पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी, जिसकी शिकायत करने पीड़ित पत्रकार कोतवाली थाने जा पहुंचा। थाने के बाहर समा भारती के नाती फरदीन खान ने पत्रकार के ऊपर प्राण घातक हमला कर दिया। वहीं कुछ लोगों ने बीच बचाव कर पीड़ित पत्रकार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज जारी है। एक फरदीन नामक फरदीन खान नाम का लड़का जो समूह चलाता है जी, और मैंने एक पोस्ट डाली जो कि किसी में व्यक्तिगत किसी को मैंने कुछ नहीं लिखा था जी, और वो मुझे दो दिन पहले से धमकी देता आ रहा है कि तुम्हें सिंगरौली में नहीं रहने दूंगा, और अब मैं पत्रकार था मेरे हिसाब से करनी पड़ेगी, तुम्हारे जैसे पत्रकार मेरे जेल में घूमते हो, और अगर नहीं औकात में है तो जान से मार के कटवा के पिटवा दूंगा जी। वहीं मैंने फिर मनीष त्रिपाठी सर से डीआई साहब से शिकायत करने के लिए मैंने सोचा कि मैं शिकायत करूँ। ऐसे में मैं जब थाने के पास पहुंचा और डीआई साहब की जानकारी ली कि है कि नहीं, तुरंत वहीं पर फरदीन खान पहुँच के मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। मैं सिर्फ एक अपील करना चाहता हूँ कि आप पत्रकार लिखना, क्या पत्रकार का काम लिखना नहीं है? अगर नहीं लिखना तो काम है पत्रकार का, ये बात नहीं है लिखना काम नहीं है तो फिर क्यों? अगर मेरा सम्मान नहीं बचा तब मैं ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगा? मैं आत्महत्या कर लूंगा, मुझे मेरा नहीं, आपको आत्महत्या नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जितने भी पत्रकार हैं, निवेदन है मेरा सबसे कि मेरा सम्मान नहीं बल्कि पत्रकार का सम्मान बचा। नहीं नहीं, आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, आपके सम्मान होगी। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेंद्र देव की रिपोर्ट।